आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं CRP टेस्ट के बारे में। CRP टेस्ट क्या होता है? तो CRP का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। यह टेस्ट शरीर में इन्फ्लेमेशन का पता लगाने के लिए करवाया जाता है। कोरोना भी एक वायरस संक्रमण है, तो इसकी गंभीरता का पता CRP टेस्ट से लगाया जाता है। यह संक्रमण के चौथे पांचवें दिन करवाना चाहिए। इससे पता चलता है कि आपको जो कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जो दवाइयाँ दी जा रही है वह काम कर रही है या नहीं कर रही है। यह एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि हर प्रकार के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से जो CRP बढ़ जाती है उसका पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके लिए 3 से 5 ml ब्लड की ज़रूरत होती है। यह प्रोग्नोस्टिक वैल्यू बताता है, यह कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। इससे बीमारी का पता नहीं चलता है, इससे पता चलता है कि आपके शरीर में कितना संक्रमण हुआ है। CRP की अगर वैल्यू की बात करें तो अगर 1 mg पर लीटर से 10 mg पर लीटर अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज पूरा कर सकते हैं। और यदि CRP की वैल्यू 10 से 25 मिलीग्राम पर लीटर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको माइल्ड इन्फेक्शन है और आपका होम आइसोलेशन में इलाज हो जाएगा। और यदि CRP की वैल्यू 26 से लेकर 100 mg पर लीटर आ रही है तो इसका अर्थ है आपका इन्फेक्शन मॉडरेट है, आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। और यदि CRP की वैल्यू 100 mg पर लीटर से अधिक आ रही है तो आपको कोरोना का संक्रमण क्रिटिकल स्थिति में आपको ICU की ज़रूरत है। यह वैल्यू 200 से 300 तक बढ़ सकती है। अतः यह टेस्ट बीमारी को डायग्नोस करने के लिए नहीं बल्कि यह टेस्ट प्रोग्नोस्टिक वैल्यू जानने के लिए करवाया जाता है कि आपके शरीर में जो संक्रमण का स्तर है वो कितना है। चाहे यह संक्रमण बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो या TB का ही संक्रमण क्यों न हो, जिस प्रकार ESR शरीर में इन्फेक्शन को बताता है वैसे ही CRP टेस्ट शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रमण को जानने के लिए करवाया जाता है। कोरोना की स्थिति में CRP टेस्ट 4 से 5 दिन के अंतराल से करवाना चाहिए, जिससे कि संक्रमण की रिकवरी का पता चलता रहे कि आपको जो दवाइयाँ दी जा रही है उससे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और यदि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 से लेकर 97 के बीच में आ रहा है तो आपको CRP टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अतः कोरोना से संक्रमित लोगों को ज़्यादातर CRP टेस्ट कराने की एडवाइस दी जाती है। अतः आप इस वीडियो से CRP वैल्यू देख के अपने इन्फेक्शन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर धन्यवाद।